अस्सलाम वालेकुम। आज की एम्ब्रोलॉजी की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोमाइट फॉर्मेशन को एंड सोमाइट डिफरेंशिएशन को। हम लोग देखेंगे सोमाइट बनता कैसे है, इसने आगे जाके क्या क्या बनाना है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, वो आज हम सब इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा, सोमाइट जो होती है ना, बेसिकली इसने हमारी बैक ऑफ द बॉडी के मसल्स, स्किन एंड रिब्स, वर्टिब्रा वगैरह का स्ट्रक्चर बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक एम्ब्रियो की बॉडी है। ठीक है, बीच में आपको नज़र आ रहा है ये एक न्यूरल ट्यूब। ठीक है, इस न्यूरल ट्यूब के दोनों साइड्स में जो आपको ये क्यूबॉइडल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द सोमाइट्स। ठीक है, ये पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये सोमाइट जो है न्यूरल ट्यूब के दोनों साइड्स पर लाई कर रहे हैं एंड 20 to 30 days में हमारे पास 38 पेयर्स बन जाती हैं एंड बाय द एंड ऑफ द फिफ्थ वीक हमारे पास 42 to 44 पेयर्स बन जाते हैं। थर्ड वीक में इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। बनती कहाँ से हैं ये? ना एक्टोडर्म से बनते हैं, ना एंडोडर्म से बनते हैं। ये बनते हैं मिडल लेयर से, दैट इज द मेसोडर्म। उसके कौन से पोर्शन से? पार एक्सियल मेसोडर्म से। अब वो हम आगे देखेंगे कैसे बनते हैं। अच्छा, मेन बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि बनता कहाँ से है, इसने आगे जाके बनाना क्या है, इसके कौन कौन से पोर्शन हैं। मुश्किल बात नहीं, इजी बात है। बच्चों के टॉपिक लगते हैं मुश्किल, समझ आ जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं, बहुत आसान बात है। ये वाली वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी केएलएम से कि कितने डेज में कितने पेयर्स बनते हैं, लेकिन मेनली ये टॉपिक करना है आपको लैंगमैन से। ठीक है, आइए चलते अब हम लोग देखते हैं कि सोमाइट्स जो हैं वो बनते कैसे हैं और आगे जाके उन्होंने क्या क्या बनाना है। हाँ जी, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर वाली लेयर हमारे पास है एक्टोडर्म, उससे नीचे है मेसोडर्म, उससे नीचे हमारे पास है एंडोडर्म। अब जो सोमाइट्स हैं उन्होंने कहाँ से ओरिजिनेट करना है? मेसोडर्म से। मेसोडर्म के कौन से पोर्शन से? जो कि हमारे पास है पार एक्सियल मेसोडर्म। अभी पार एक्सियल मेसोडर्म कैसे बनता है? हमें पता है कि बाय अप्रॉक्सीमेटली द 17th डे पर जाके क्या होता है कि इस मिड लाइन से क्लोजर जो हमारे पास मेसोडर्म वाला पोर्शन होता है ना, वो प्रोलीफरेट करता है और एक थिकंड पोर्शन बना देता है जिसको हम लोग बोल देते होते हैं पार एक्सियल मेसोडर्म। इससे आगे फिर ये आहिस्ता आहिस्ता थिन होता जाता है और हमारे पास आगे जाके इंटरमीडिएट एंड लेटरल प्लेट मेसोडर्म वगैरह बना देता है। ठीक है, ये एक अलग बात है। हम लोगों ने कंसर्न हमें हमारे किससे होना चाहिए? विद द पार एक्सियल मेसोडर्म से, क्योंकि इसने आगे जाके सोमाइट्स को बनाना है। अच्छा, जब हमारे पास थर्ड वीक जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है कि जो पार एक्सियल मेसोडर्म होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइज करने लग जाता है सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इन सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारे पास सोमाइटोमर्स होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सोमाइटोमर्स ने आगे जाके क्या बनाने होते हैं? हमारे पास सोमाइट्स बनाने होते हैं। अब ये बनते हमारे पास बेसिकली सिफेलिक रीजन, यानी कि हमारे हेड वाले पोर्शन में बनते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कॉडली आना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल हमारे पास एक अलग स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, एक अलग बॉल सी बन गई है जिसको हम लोग बोल देते होते हैं सोमाइट। अच्छा, ये वाली जो बॉल हम जिसको बोल रहे हैं, इट इज़ अ बॉल ऑफ मेसोडर्म, जिसने आगे जाके क्या कर देना है? अपनी एपिथेलाइजेशन कर देनी है। एपिथेलाइजेशन जब भी अपने करते हैं तो ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, एक डोनट शेप स्ट्रक्चर ये एक्वायर कर लेते हैं। सेंटर में इनका एक ल्यूमन होता है। कैसे होता है मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो इस फर्स्ट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास है जी न्यूरल ट्यूब, दिस वन इज द नोटोकॉर्ड, इसके बिल्कुल साथ हमारे पास लाई कर रहा है, दिस वन इज द सोमाइट। अब इनकी क्या होगी? एपिथेलाइजेशन, इन्होंने अपने स्ट्रक्चर को कर लिया है चेंज, सेंटर में हमारे पास आ गया है ल्यूमन, इसलिए हम कहते हैं कि एक डोनट शेप स्ट्रक्चर हमारे पास बन चुका है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब फोर्थ वीक स्टार्ट होता है तो हमारे पास जो वेंट्रल वॉल है ये वाली सामने वाली, और जो ये मीडियल वॉल है, इनकी क्या हो जाएंगी कि ये अपनी एपिथेलाइजेशन को लूज़ कर देंगे। क्यों? इन्हें गुस्सा आ जाता है कि भाई हमें क्यों एपिथेलाइजेशन, आपने मतलब क्यों इस प्रोसेस से गुजारा, हमने नहीं करना था। इनको आ जाता है गुस्सा, अपनी एपिथेलाइजेशन को ही क्या कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं। और साथ में क्या हो जाते हैं? मेसेनकाइमल हो जाते हैं। फिर से गुस्से के मारे पता क्या करते हैं? अपनी जगह भी छोड़ देते हैं, अपनी पोजिशन को भी छोड़ देते हैं, और जो हमारे पास न्यूरल ट्यूब होता है और जो नोटोकॉर्ड होता है उस वाली जगह को ये अकंपनी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये वाले सेल जो कि यहाँ पर थे, अब वो माइग्रेट करके इस वाली जगह पर आ गए और हमने इनका नाम चेंज कर दिया। हमने को बोल दिया है कि अब ये वाले सेल्स हमारे पास स्क्लेरोटोम के सेल्स हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास स्क्लेरोटोम के सेल्स बन गए, जिन्होंने आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाना है वर्टिब्रा के अंदर और रिब्स के अंदर। ठीक है, बोनी पोर्शन हम लोगों ने अब बना लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हमने देखा कि वेंट्रल पोर्शन एंड मीडियल पोर्शन ने तो निकल के क्या बना लिया? हमारे पास बोनी स्ट्रक्चर बना लिया, रिब्स एंड वर्टिब्रा बना लिया। अब हमारे पास दो पोर्शंस रह गए हैं। एक हमारे पास रह गया है ये डोर्सो मीडियल पोर्शन, और दूसरा पोर्शन हमारे पास रहता है ये वेंट्रो लेटरल पोर्शन। अब इन्होंने भी तो कुछ बनाना है। अब इन्होंने क्या करना होता है? इन्होंने आगे जाके हमारे पास क्या कर देना होता है? मसल सेल्स बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दिस वन इज द डोर्सो मीडियल पोर्शन, दिस वन इज द वेंट्रो लेटरल पोर्शन, और इन्होंने क्या कर देना होता है? मसल सेल्स बनाने होते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं? अपनी
वैस्कुलाइजेशन को ख़त्म कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं और मेसेनकाइमल सेल्स में चेंज हो जाते हैं ताकि ये भी आगे जाके मसल सेल्स बना सकें। अब इन दो मसल ग्रुप्स के दरमियान में हमें सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास डर्माटोम के सेल्स हैं। इन डर्माटोम ने क्या करना होता है, डर्मिस बनानी होती है। डर्मिस क्या होती है, स्किन की जो सेकेंड लेयर होती है, जो डीपर लेयर होती है, वो हमारे पास होती है डर्मिस। और वो कहाँ से आती है, इस डर्माटोम से आती है, ये हमारे पास बना देता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हमारे पास ये डोर्सोमीडियल एंड वेंट्रो लेटरल सेल्स जो हैं, इनकी मेसेनकाइमल, ये दोबारा मेसेनकाइम में बन गए, तो क्या हुआ कि ये डर्माटोम के आगे आना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके सामने वाले पोर्शन में, जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस वन इज़ द डर्माटोम और ये आगे की तरफ हमारे पास आगे वो वाले पोर्शन, डोर्सोमीडियल एंड वेंट्रोलेटरल वाला पोर्शन, जिनको हम लोगों ने मायोटोम बोला, ठीक है। मायो मीन्स मसल, इन्होंने मसल बनाना, इसलिए हमने इनको मायोटोम बोला। अब जब ये डर्माटोम से आगे आ जाएंगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे कि हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास बन गया है डर्मोमायोटोम का स्ट्रक्चर। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं कि डर्मोमायोटोम बन गया। तो आप लोगों ने क्या कहना है कि जो ऊपर की तरफ हमारे पास डर्माटोम लोकेटेड है, अब इस डर्माटोम ने क्या बना देना होता है, हमारे पास डर्मिस बना देना होती है। डर्मिस क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि स्किन की सेकंड लेयर होती है। अब आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि जो स्किन की आउटर लेयर होती है ना, एपिडर्मिस, वो हमारे पास होती है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, वो आएगी एक्टोडर्म से। अब जो ये नीचे वाला पोर्शन है, जो डर्मिस वाला पोर्शन हमारे पास बनेगा, वो आएगा डर्माटोम। और डर्माटोम कहाँ से आया, मेसोडर्म से, पारएक्सियल मेसोडर्म से। इसका क्या मतलब, जो स्किन की फर्स्ट लेयर है एक्टोडर्म से आएगी वो, जो कि एपिडर्मिस वाली लेयर है। सेकंड लेयर जो हमारे पास है डर्मिस वाली, वो आएगी मेसोडर्म से। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, तो इस डर्मोमायोटोम में हमारे पास क्या हुआ, ऊपर वाले स्ट्रक्चर जो डर्माटोम है उसने हमारे पास डर्मिस का पोर्शन बना लिया, ठीक है। उसके नीचे जो मायोटोम वाला पोर्शन, उसने हमारे पास क्या बना लिए, मसल्स बना लिए, मसल्स बना लिए बैक के, बॉडी वॉल के, फॉर एग्जाम्पल इंटरकोस्टल मसल्स बन गए, और कुछ हद तक इन्होंने लिम्फ का मस्कुलेचर भी बना लिया, ठीक है। अब आप खुद सोचें नॉर्मली क्या होता है, सबसे ऊपर हमारे पास क्या होती है, स्किन होती है, स्किन से नीचे मसल्स होते हैं, मसल से नीचे बोन्स होती हैं। अब इस वाले स्ट्रक्चर में देखें, आउटर हमारे पास है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म ने क्या बना दी, एपिडर्मिस। उससे नीचे आ जाए हमारे पास ये डर्माटोम, डर्माटोम ने क्या बना दी, डर्मिस, यानी कि स्किन की लेयर होगी कंप्लीट। अब स्किन से नीचे क्या लाया करता है, ऑब्वियसली मसल्स लाया करते हैं, तो मसल्स हमारे पास किसने बना दिए, मायोटोम ने बना दिए। मायोटोम से नीचे आ जाए, मसल से नीचे हमारे पास क्या होते हैं, बोन्स होते हैं, तो बोन्स हमारे पास किसने बना दिए, स्क्लेरोटोम ने बना दिया। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह सोमाइट जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, हमें स्किन प्रोवाइड करता है, हमें मसल्स देता है, हमें बोन्स देता है, ठीक है। पर जो भी टॉपिक लगता होता है मुश्किल, सिर्फ समझने वाला टॉपिक है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर सोमाइट वाला टॉपिक हम लोगों ने कर लिया कम्प्लीट। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको ना समझ आए तो आप ये वीडियो बार बार पीछे करके देख सकते हैं, जब तक आपको समझ नहीं आ जाती। और बच्चे जो हैं ये टॉपिक पूछते हैं कहाँ से करना है, ये टॉपिक मेजरली आपने करना है लैंगमैन से, ठीक है। केएलएम में बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, समझ नहीं आएगी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वहाँ पे नहीं है। इसको अच्छे से अगर आपने करना है तो आपको लैंगमैन से जाना पड़ेगा। और ये डायग्राम्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी लैंगमैन की डायग्राम्स हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।